कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है केंद्र और प्रदेश की सरकारें संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा है कि संविधान कुछ कह रहा है जबकि सरकारें कुछ और कह रही हैं। संविधान पर संकट है और संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है, इसीलिए कांग्रेस लोगों को जागरूक करने के लिए संविधान बचाओ संकल्प सभा आयोजित कर रही है। कांग्रेस द्वारा संविधान को बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, जो सरकार है चाहे यूपी में हो चाहे केंद्र में हो, ये संविधान सम्मत सरकार नहीं है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। संविधान कुछ कहता है, सरकारें कुछ कर रही हैं। इतने सारे उदाहरण हम दे करके आपसे बात कर सकते हैं कि संविधान सम्मत ये सरकार नहीं है। संविधान पर संकट है, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए आज कांग्रेस को ये सोचना पड़ा कि संविधान बचाओ संकल्प सभा करके जन जन को ये बताया जाए कि संविधान पे किस किस तरीके के संकट हैं। कौन सा खतरा है प्रमुख रूप से? सबसे ज़्यादा संविधान, अब इतना बड़ा खतरा है बताइए, एक मध्य प्रदेश का भाजपा का विधायक का प्रतिनिधि ऐसा कृत्य करता देखा जा रहा है, आप लोगों ने टीवी और मोबाइल पे देखा होगा, एक एसटी के बच्चे के ऊपर सीधे सीधे जैसे ऊपर से वर्षा हो रही हो, और इसके बाद उससे बड़ा मजाक संविधान के साथ, वहाँ के मुख्यमंत्री उसको बुला करके पैर धोते हैं चरणामृत समझ करके और उसको 6.5 लाख रुपए देते हैं। यानी एक मारता है तो दूसरा पुचकारता है। मुकदमा नहीं लिखना चाहिए, जबकि कानून ये कहता है कि कोई गलत काम करता पाए जाए, देश का कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके खिलाफ़ कानून के दायरे में आके मुकदमे लिखने चाहिए। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के सारे हक और अधिकार एक सीमित सरकार ने अपने उसमें ले लिए हैं, जो कि गलत है। कोई भी संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। जितने भी हक और अधिकार देश के गरीब और मजलूमों के थे, धीरे 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 प्राइवेट को हाथ में देकर के उनके सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। कांग्रेस इसको लेकर क्या करने जा रही है? कांग्रेस इसको लेकर के जगह जगह, गांव गांव, गली गली जाकर के ये बताने जा रही है कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हम सबको मिल बैठ करके चर्चा करके आने वाले टाइम पर इन्हें यहाँ से खदेड़ना होगा, तभी संविधान और देश और लोकतंत्र बचेगा।